तो बच्चों हम लोग पिनाकोल पिनाक्लोन रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें कार्बोकैटायन जो होता है वो रिअरेंज होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ वो बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। लेट अस डू सम है ना वन और टू मोर एग्जांपल। जैसे मान लो कि ये है बच्चों, ये पीएच सीएल है, ठीक है ना। अब अगर हम इसको एस बी सी एल फाइव, जो कि क्या है बच्चों, लुईस एसिड है ना, तो हम लोगों ने याद है पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये लुईस एसिड है तो ये एस बी सी एल फाइव क्या ले लेगा, इससे सी एल माइनस को ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये फिनाइल हो गया, ये प्लस आ गया, ये ई टी है, एम ई है और ये ओ एच। अब ई टी की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होती है, ज़्यादा। तो रीअरेंज होने की टेंडेंसी जो होती है बच्चों, जैसे है हाइड्रोजन हाइड्राइड बेस्ड होता है, उसके बाद फिनाइल होता है, उसके बाद एल्काइल होता है, ठीक है। एल्काइल में भी जैसे अगर ज़्यादा उसमें कार्बन होता है ना, तो उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होती है, ज़्यादा होती है। कार्बन ज़्यादा हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है देने की इच्छा ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना ओ सी एस थ्री है, इसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेंजीन से ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये प्लस आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले के आएगा, ठीक है ना, उसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगी, ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन में हाइड्राइड बेस्ड होगा उसके आइसोटोप में, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी इसकी मिनिमम है, तो ये आसानी से टूट के क्या हो जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इथाइल को माइग्रेट करेंगे, फिर है ना यहाँ से इथाइल माइग्रेट होगा, यहाँ पर प्लस आएगा, फिर ये यहाँ से एच प्लस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पीएच और यहाँ पर ईटी आ जाएगा और इधर सी ओ, इधर क्या आएगा, एम ई। ये इसका क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट है बच्चों, एक है डायजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आर एन एच टू है और इसको अगर हम लोग एन ए एन ओ टू प्लस एच सी एल के साथ लो टेम्परेचर पे अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, है ना, जीरो डिग्री सेल्सियस और एच एन ओ टू, तो यहाँ पे आर प्लस बनता है, एन टू निकलता है ना, तो सी प्लस बनेगा, रीअरेंज होता है, रीअरेंजमेंट जो है वो क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। और इस R प्लस से अगर इसमें वाटर डालोगे तो एल्कोहल बन जाएगा, अगर इसमें सी एल माइनस डालोगे, ठीक है, इसमें अगर ओ एन ओ डालोगे, ठीक है, तो अलग रहते, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, इसमें R सी एल बन जाएगा, बी आर माइनस होगा तो आर बी आर हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, आर ओ एन ओ आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायजोटाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं R पहले N2 प्लस बनता है, फिर ये निकलता है, ये R प्लस बनता है, ठीक है, क्योंकि N2 जो होता है बच्चों बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें जो है डायजोटाइजेशन कैसे है। तो देखो इसमें जो NaNO2 है और ये जो HCl है, ये आपस में रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा HNO2 प्लस NaCl। HNO2 का स्ट्रक्चर ये ऐसे होगा HO, ठीक है। अब क्योंकि इसमें HCl है, ठीक है, तो इस पर H+ अटैक करेगा, यहाँ हम देखो लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ से ये H2O प्लस और ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा,
ठीक है, तो माइनस एस टू होगा, ये NO प्लस बन जाएगा, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन। अब इसमें जो होगा आर एन एस टू प्लस एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, अब ये इस पर क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, डोनर पे प्लस होगा, एक्सेप्टर पे माइनस, तो यहाँ पे एच प्लस हो गया और ये ऐसा आ जाएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आना था है ना, तो इस पर माइनस माइनस आएगा, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो एच प्लस है, ठीक है ना, एच प्लस एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आर एन एच एन डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ठीक है। फिर से यहाँ से क्या है, लोन पेयर ये ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में बच्चों ने होता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड एन और ओ एच, फिर से प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक्सचेंज होगा, तो डबल बॉन्ड एन और इधर ओ एच टू प्लस। अब इसका लोन पेयर इसके साथ ऐसे, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस। अब ये जो एन टू होता है, ये क्या होता है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, द बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो बड़े आराम से ये चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर प्लस प्लस एन टू, ये आता है, मतलब पूरी स्टोरी ये है कि अगर आर एन एच टू है, ठीक है, प्लस एच एन ओ टू है, ठीक है ना, प्लस ओ एच और एन डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, एच टू ओ निकाल लेना है, ठीक है, तो ये आपस में एड करके बस ये याद कर लो, आर एन टू प्लस बन जाएगा, ठीक है, फाइनली ये बनता है। तो अगर आपको ऊपर का ये मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें देखो ये एन टू गैस होता है, जैसे निकलेगा शुरू में तो ये रिवर्सिबल होगा, जैसे गैस एन टू निकल जाएगा, ये रिएक्शन सारा एक सारा लीच चढ़ प्रिंसिपल से आगे भागना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये कार्बोटाइन बनता है, और जो कार्बोटाइन है इस पर ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, तो इस पर क्या होगा, टॉप साइड अटैक भी हो सकता है, बॉटम साइड भी अटैक हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इस तरह से यहाँ पे क्या मिलते हैं, इनएनशियोमर। अगर ये कायरल होगा तो दो प्रोडक्ट बनता है, टॉप वाला अलग होगा, बॉटम वाला अलग होगा, और दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, मिरर इमेज, ठीक है। तो इसमें जो होगा, मान लो एच है, एम ई है, ई टी है और एन एच टू, अगर हम इसको एन एन ओ टू एच सी एल से करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एच टू भाग जाएगा, है ना, एम ई ई टी एच, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे जो प्लस आया, अभी ट्राइगोनल प्लेन है, तो अब इस पर ओ एच जो होगा, ठीक है, वाटर अगर लोगे तो उस पर ओ एच आ जाएगा, तो एम ई एच और ई टी प्लस इसका मिरर इमेज, ठीक है, ये बन जाएंगे क्या, इनिशियो मास। तो कुल मिला के बस ये देखना है बच्चों, आर एन एच टू होता है, और अगर हम इसको एच एन ओ टू से करा लेते हैं, और एन ए एन ओ टू और एच सी एल से, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, बस ये याद रखोगे, और ये रीअरेंज होता है, ठीक है, तो डायजोटाइजेशन होता है, मतलब इसको आर एन टू प्लस कहते हैं, एन टू प्लस एक्स माइनस, तो इसको डायजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं, है ना, डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एन एच टू, अब अगर हम इसको एच एन ओ टू से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, वही एन एच टू को उड़ा दो, है ना, और यहाँ पे प्लस, जैसे एल्कोहल में था ओ एच को उड़ा देते थे, यहाँ पे एन एच टू को उड़ा के प्लस बना दो, है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। अब रिंग एक्सपेंशन के लिए 2 3 को ब्रेक करोगे, है ना, ब्रेक करोगे, 3 पे माइनस होगा, 1 3 ज्वाइन होगा, ठीक है, और 2 पर प्लस आएगा, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लेना है, ठीक है, ये 1 है, 1 से मिथाइल लगा हुआ है, 1 से 2, 2 पर प्लस आएगा, 2 से 3 है, 3 से 4 है, है ना, सॉरी,
तो वन थ्री, ठीक है, वन थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया और सिक्स हो गया। टू पे प्लस आएगा, फिर से क्या कर लोगे, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट कर लोगे, ठीक है, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। अब अगर हम इसमें वाटर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो बच्चों ये दिया हुआ है, यहाँ पर है NH2 और यहाँ पे ऐसे दिया है और कहा कि इसको HNO2 से रिएक्ट कराओ, क्या होगा प्रोडक्ट, सिंपली क्या कर लोगे, यहाँ पर NH2 निकाल लेना, प्लस आ जाएगा। अब देखो ये जो थ्री मेंबर रिंग है, अब थ्री मेंबर से क्या हो जाएगा, फोर मेंबर हो जाएगा, ठीक है, थ्री मेंबर से क्या बना लोगे, फोर मेंबर बना लोगे, तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। जैसे मान लो ये हो गया वन टू थ्री और फोर, है ना, तो टू फिर टू फोर ब्रेक करके वन फोर ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर इसको मौका मिल जाएगा, है ना, फिर से ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। और इसमें अगर कुछ नहीं है, पानी ले लोगे, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, जैसे है इसको CH2 HNO2। अब बच्चों इसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये जो कार्बोटाइन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो बस इसी से हम ये बना लेंगे, मेजर प्रोडक्ट यही आएगा CH2OH, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है, ठीक है ना, तो ये स्टेबल होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, तो यही वाला मेजर होगा। वैसे एक्सपेंशन भी करा लोगे, ये फोर मेंबर रिंग बन जाएगा यहाँ पे, और H2O ले लोगे तो ये माइनर होगा, ठीक है, तो वैसे इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, जैसे ये 48% होता है और ये 47% होता है, बाकी 5% जो होगा वो इस टाइप वाला जो डांसिंग रेजोनेंस का रहेगा, ठीक है, ऐसे यहाँ पे OH आ जाएगा। तो जैसे मान लो ये है, कहा कि ये है NH2 है, अब इसको अगर HNO2 से कराओगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, अब ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वन टू थ्री और फोर, ठीक है, तो क्या कर दो, इसमें टू थ्री ब्रेक कर दो, ठीक है, सॉरी, हाँ टू थ्री ब्रेक कर दो और वन पर सॉरी थ्री वन थ्री ज्वाइन हो जाएगा, टू पर क्या आएगा, प्लस, ठीक है, तो वन थ्री ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे हो गया, तो ये वन हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, और यहाँ पे देखो वही वाला आ गया, इसमें यही डांसिंग रेजोनेंस है, ठीक है। और फिर से इसमें H2 ले लोगे तो ये बन जाएगा, तो ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है OH है, NH2 है, NaNO2। अगर बच्चों कहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो हमेशा ध्यान रखना, है ना, सीक्वेंस में ही वीडियो देखोगे तभी समझ में आया, सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये सब IIT लेवल की है, IIT एडवांस टाइप का है, तो ये सबके समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो ये समझ लेना है कि अगर नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं गलती है, प्रीवियस वीडियो आपने ठीक से नहीं देखा है, तो उस वीडियो को देख के ही फिर इस वीडियो को देखेंगे तो यू विल एन्जॉय इट, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी हमने बताया कि सेम ये OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, फिर ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इधर तीनों CH3 आ जाएंगे, ठीक है, तो वही आ गया ना, पिनाकोल पिनाकोलोन, उसको पिनाकोल डायजेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो इसमें से अगर H+ हम निकाल देंगे ये बन जाएगा,
ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है E2 रिएक्शन, सॉरी E1 रिएक्शन फिनिश कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बच्चों E2 रिएक्शन। वैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, फिर भी अब थोड़ा और डीप में और एग्जांपल करेंगे। तो इसमें जो E2 रिएक्शन का जो बेस्ट, ये बाई मॉलिकुलर होता है, ठीक है ना, बाई मॉलिकुलर होता है ना, ऑर्डर इसका 2 होता है, मॉलिकुलरिटी 2 होता है, इसका जो रेट होता है वो होता है K इंटू RX इंटू बेस होता है, ठीक है। तो ये होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से अल्किन बनाने का क्या होता है बच्चों, ये प्रिपरेशन होता है। यहाँ से जो भी होता है, यहाँ से X होता है, दैट इज हेलोजन, और ये अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा से X और बीटा से क्या H, H बेस द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब अल्फ़ा से ये चला जाएगा, तो ये कैसे जाएगा, एक्स माइनस में यहाँ प्लस आएगा, बेस आएगा एच प्लस ले जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये माइनस प्लस मिलके कब ना लेंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका सिंपल सा तरीका। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, ये वन स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है, वन स्टेप प्रोसेस। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, और हीटिंग भी रिक्वायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हीटिंग भी रिक्वायर्ड है। और इसमें बेस एंड लिविंग ग्रुप जो होते हैं क्या होते हैं, एंटी कोप्लेनर, एंटी कोप्लेनर, ठीक है, क्योंकि इनको पाई बॉन्ड होता है, ऐसे यहाँ से एक्स जा रहा है तो यहाँ से एच, ऐसे तो यहाँ से जो बेस है और ये जो लिविंग ग्रुप है, क्योंकि इसको साइमल्टेनियस पाई बॉन्ड बनाना है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इस सिग्मा को टूटना है और ये हाइब्रिडाइज से अनहाइब्रिडाइज में जाता है ये, तो अब ये आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में, जैसे हम लोग एल्कोहलिक KOH ले सकते हैं, ठीक है, सोडियम अमाइड ले सकते हैं, RO- ले सकते हैं ROH के साथ, ठीक है, या फिर कोई भी है ना, या फिर ET3N ले सकते हैं, इस टाइप के हम बेस ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे यह है CH3, यहाँ पे है HCH, मान लो यहाँ पे BR है, ठीक है, और CH2, ये beta 1 है, ये beta 2 है, ठीक है, ये क्या होता है, लेस क्राउडेड है, और ये जो होता है ये मोर क्राउडेड है, ठीक है। तो ये H प्लस को स्मॉल बेस ले जाएगा, स्मॉल बेस ले जाएगा, स्मॉल बेस जैसे कि है एल्कोहलिक QH जा सकता है, NaNH2 लेके जा सकता है, CH3O- Na प्लस लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस बीटा हाइड्रोजन को लार्ज बेस, लार्ज या बल्की बेस, ठीक है, बल्की बेस ले जाएगा, ठीक है, और इसमें लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा, क्या इसको बोलते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा,
और इसमें जो होता है इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेट जेफ एलिमिनेशन, और इसको बोलते हैं हाफ मैन एलिमिनेशन। समझ गए बच्चों? तो ये जो है हमने ट्रू ट्राई की है कि आप ये समझ लें। तो इसमें जो होगा बच्चों, जैसे अगर बीटा वन से गया है ना, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये है बीटा वन और ये है बीटा टू। तो इसमें जो है सिस और ट्रांस दोनों एल्कीन बन सकता है, ठीक है, तो अगर माइनस बीटा वन गया तो यह आएगा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और अगर माइनस बीटा वन का हाइड्रोजन गया है ना, ये बीटा टू का गया, तो यहाँ पे ये बनेगा, तो इसको बोलते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सैड जेफ। इसमें है ना सिस ट्रांस दोनों बन सकते हैं, मतलब ये जो होगा ऐसे ऐसे या ठीक है इस प्रकार से। तो इसमें जो होता है कि ये है ना, जैसे मान लो H है और यहाँ पर क्या है Br है, ठीक है, ये Et है बेस, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों एंटी कोप्लेनर, इसी क्या बोलते हैं एंटी कोप्लेनर कहते हैं, ठीक है, एंटी कोप्लेनर। ठीक है, तो इसमें रेट जो होता है बढ़ेगा अगर स्ट्रॉन्ग बेस बढ़ेगा, ठीक है, लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप जो होगा वो क्या होगा वो ज़्यादा होगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, कोई रिएजमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो नो इंटरमीडिएट एंड नो रिएजमेंट। ठीक है, तो लेट अस डू सम एग्जांपल। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रोमीन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है ये एमी है, तो अगर ओ एच माइनस लेंगे, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट देखो ये बीटा वन है और ये बीटा टू है, तो इसका देखो हाइड्रोजन तो है ना एंटी है ना, ये दोनों हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या है एंटी है, ठीक है, तो अगर छोटा बेस लोगे, हमने लिया एल्कोहलिक के ओ एच, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा मोर स्टेबल एल्कीन, ऐसे। इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको देख लो कितना अल्फा हाइड्रोजन 7 है, और अगर नीचे वाले बीटा वन से गया, ठीक है, ऐसे आएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो ये वाला जो है सेटजेफ है, ठीक है, और ये क्या है हाफ मैन, ये क्या है ये छोटा बेस है इसलिए मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को ले सकता है। ठीक है, मोर क्राउडेड हाइड्रोजन को ले सकता है, ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है,
अगला देखते हैं। से यहाँ पे बी आर है और यहाँ पे सी एस थ्री है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन ये होगा। अब ये दोनों जो हो गए, ये कहाँ पे हो गए, ये सिन पे हो गए, इसलिए वो नहीं जाएगा, ठीक है। ये मान लो बीटा वन है और ये बीटा टू है, इसमें ये कहोगे कि बीटा वन का हाइड्रोजन नहीं जाएगा क्योंकि लिविंग ग्रुप के क्या है, सिन पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसलिए बीटा टू से हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में कोई सा भी बेस लोगे, ठीक है, यही बनेगा। है ना, ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो हमेशा देखना है बच्चों कि जो लिविंग ग्रुप है और उसके रेस्पेक्ट में जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, वो कहाँ होना चाहिए, वो एनटी पे होना चाहिए। अगला इसमें टॉपिक है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो इसमें जो है बच्चों, ये है CH2 Br H और इस पे हम ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CG2 CH2 Br, यहाँ D लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, CD2 डबल बॉन्ड CH2। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, जैसे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, रेट ऑफ रिएक्शन आर फर्स्ट जो होता है वो ग्रेटर देन आर सेकेंड होगा, ठीक है। फर्स्ट का जो रेट होगा वो सेकेंड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि लाइटर आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन का जो रेट है फास्टर है देन हैवियर बिकॉज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो हाइड्रोजन का जाना आसान होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर E2। तो इसमें क्या चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर है ना विच कैन गिव स्टेबल एल्कीन, ठीक है, जो स्टेबल एल्कीन दे। उसके बाद है मॉडरेट लिविंग ग्रुप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल करते हैं, कंपेयर रेट ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
तो जैसे बच्चों ये है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है और यहाँ, तो इसमें क्या बनेगा? मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनेगा, है ना। इसलिए ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो सबसे ज़्यादा बी होगा, फिर ए का होगा, फिर सी का होगा, ठीक है। तो ई टू में वही है कि प्रोडक्ट अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो भी उसका रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ए बी और सी क्या होगा? ए बी एंड सी, इसमें होगा कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल तो रेट भी ज़्यादा, ठीक है। ए और बी कौन ज़्यादा होगा? बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि बी में जो डबल बॉन्ड आएगा आफ्टर एलिमिनेशन वो क्या है? रेजोनेंस में आएगा। ए में जो डबल बॉन्ड आएगा आफ्टर एलिमिनेशन वो रेजोनेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, ठीक है। इसमें किसका होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। इसमें ए ग्रेटर देन बी है ना, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, कार्बन हाइड्रोजन लेस देन कार्बन ड्यूटेरियम, तो बेस उसको आसानी से छीन ले जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कौन ज़्यादा होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सी तो देगा ही नहीं, है ना, डबल बॉन्ड ब्रिज पे आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ई टू नहीं देगा। ठीक है, ये है आई है, ठीक है। तो ए ये ब्रोमीन है, बी और सी सबसे ज़्यादा किसका होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सी में क्या है? ड्यूटेरियम है ना, और ए और बी में क्या है? ए का लिविंग ग्रुप बेटर है, तो ये जो है आई माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन बी आर माइनस। ठीक है, सबसे अच्छा कौन होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सी भी नहीं देगा, है ना, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो एस पी टू हो जाएगा, वो प्लेनर होना चाहेगा। इसमें ये देखना होगा कि एंटी कोप्लेनर का कंसेप्ट,
ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे ये एंटी कोप्लेनर हाइड्रोजन है, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या है, एंटी कोप्लेनर, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन है, ये भी है, इसको बीटा वन कह लो, बीटा टू का, तो बीटा वन पे भी और बीटा टू भी है, यहाँ पे बीटा वन बीटा टू, तो बीटा वन वाला क्या है, सीन है ना, सीन है, और यहाँ पे बीटा वन बीटा टू दोनों का हाइड्रोजन क्या है, सीन है, इसलिए तो ई टू देगा ही नहीं, ई टू नॉट पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पे जो बीटा वन वाला सीन है, तो वो लेस स्टेबल एल्कीन बनाएगा, है ना, यहाँ पे लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा, और इस वाले में क्या होगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा कौन है, ए फिर बी फिर सी, सी तो देगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ये दे दिया हमने, ठीक है बच्चों, तो पहले किसी एक या दो को देख लो। तो जैसे तुम देखोगे, जब सारे सीएल क्या हैं, सीन हैं, ठीक है ना, तो इनके जो हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, एंटी होंगे। जैसे मान लो इसका हाइड्रोजन देखो, ये इसका हाइड्रोजन है, तो ये इसका क्या हो गया, एंटी हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसका हाइड्रोजन, इसका एंटी होगा, ठीक है, समझ में आया। तो वो तो लगातार डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, है ना। तो पहले तुम एक निकाल लो, पहले पहले जो है, पहले एक निकाल लिया, जैसे मान लो ये वन निकाला हमने, और उसके बाद ये थ्री निकालेंगे, इसके बाद ये हम फाइव निकालेंगे। तो वन का निकालोगे तो देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे सीएल आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो सीएल है, ये सीएल है, ठीक है, यहाँ पे ये सीएल है, तो इसका हाइड्रोजन अगर निकालोगे, ठीक है, तब क्या आएगा, तो ये देखो ये अल्टरनेट आया, यहाँ पे सीएल छोड़ दोगे और ये यहाँ पे ये सीएल छूट जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ का सीएल जो होगा ये छूट जाएगा, तो फाइनली कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, सीएल सीएल और सीएल ऐसे बन जाएगा, समझ गए, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अब किसी ने कहा कि सर मैं बगल ये वाला भी यहाँ भी, तो ऐसे ही पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि तो एस पी हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो लीनियर होगा तो एंगल कितना होगा, 180 हो जाएगा, तो 180 मतलब ये सीधा होना चाहेगा, तो एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है। चलो अगर मान लो इसमें हमने अल्टरनेट कर दिया, एक सीएल ऐसे कर दिया, ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ पे ई टू पॉसिबल है। देखो जैसे मान लो ये सीएल है, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन भी तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, तो ये सीएल नहीं जा पाएगा, ठीक है। सेम अगर इसको अगर निकालना है, तो इसका भी हाइड्रोजन देखोगे तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ से भी ये तो जा नहीं सकता, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया। अच्छा चलते हैं ये देखते हैं, यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, इस टाइप से होगा, इधर से भी नहीं जाएगा, यहाँ की भी हाइड्रोजन इधर होगा, इधर से भी नहीं जाएगा, यहाँ पर ई टू रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो एल्कोहलिक क्यूएच लोगे तो नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब मान लो लगातार हमने कुछ ऐसा कर दिया,
ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको अगर हम लोग एल्कोहलिक केओएच के साथ हीट करते हैं तब क्या बनेगा? तो देखो जैसे मान लो इस सीएल का देखना है तो इसका बीटा हाइड्रोजन किधर आएगा? इधर, इधर वाला बीटा हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और इधर वाला बीटा हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वन तो निकल जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे बना लोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये सीएल आ गया, ठीक है, समझ गए। लगातार तो निकालना नहीं, ये तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये जाएगा। तो इस सीएल को, इस सीएल को देखो, इस सीएल के लिए तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है ये तो ब्रोकन है ना, ये ब्रोकन है, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये तो इधर जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये तो नहीं जाएगा, समझ गए। तो चलो मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो एंटी होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, बस ये याद रखोगे। लिविंग ग्रुप और जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस होना चाहिए, बीटा वाला सिन पे नहीं होना चाहिए। तो मैं हाइड्रोजन भी बना ही देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो ऐसे हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, इसका भी हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, इसका भी हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, इसका हाइड्रोजन इस तरह से आएगा, इसका हाइड्रोजन इस तरह से जाएगा, इसका हाइड्रोजन इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देख लिया, तो जैसे मान लो ये वन है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। तो जैसे मान लो अगर हम वन को हटाते हैं, तो वन को हटाएंगे, ठीक है, तो हट जाएगा वन, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट से सिक्स का बीटा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, है ना, कौन किसका बीटा हाइड्रोजन जाएगा? वन का अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं, ठीक है, किसका बीटा हाइड्रोजन जाएगा? टू का बीटा हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा और ये सीएल आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम, तो थ्री को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, थ्री का, तो थ्री को तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि फोर का जो बीटा हाइड्रोजन है ना, फोर का जो बीटा हाइड्रोजन है वो उसका सिन है, अच्छा, और टू का जो बीटा हाइड्रोजन है वो एंटी है, मगर लगातार डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे कि भाई तू तो कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं क्या फोर जाएगा। फोर जाने के लिए फोर का जो बीटा हाइड्रोजन है देखो, है ना, फोर का जो फोर अगर इसको निकालना है तो इसका बीटा हाइड्रोजन ये है, ये तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो इधर से देखो, इधर से जा सकता है क्या? हाँ, इधर से जा सकता है क्योंकि ये और ये सीन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बना लेंगे, ठीक है, तो इसको देखो, ये सीएल और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हो गए ना एंटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है। अगर हम फोर का हटाते हैं तो, लेकिन एक और इसमें कोशिश की जा सकती है, क्या ये अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बन सकता है? जैसे मान लो अगर हम सिक्स का, है ना, वन का हटाया तो सिक्स का तो नहीं हटाएंगे, सेवन का, फाइव का हटाते हैं, तो फाइव का हटाओते हो, जैसे मान लो अगर इसको निकालो, इसको, तो इसको निकालोगे तो ये देखो, ये है ना, ये एंटी है ना इसका, ये ब्रोकन पे है और ये वेज पे है, तो यहाँ से हम चाहें तो ऐसे हटा सकते हैं, तो ये जो सीएल है ये रह जाएगा और ये वाला भी जो सीएल है वो रह जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो बेटर होगा क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे ये मोर स्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेटेड।
अब जैसे ये है Br है, ये Br, तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो इसका बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन क्या है, मोर एसिडिक है, होगा ना, और इसका बीटा हाइड्रोजन क्या है, लेस एसिडिक है, क्योंकि इस पे प्लस आई लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ए और बी में जो है वो क्या है, बी ग्रेटर देन ए फॉर ई टू रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करो, सी एच थ्री है, बी आर है, ठीक है। यहाँ तो देखो दो हाइड्रोजन होते ही हैं, तो दोनों से तो हाइड्रोजन जा सकता है, ठीक है, वन और टू मान लो, तो अगर हम इसमें अल्कोहलिक क्यूएच से हीट करते हैं तो एक बार जो होगा इधर डबल बॉन्ड आएगा और एक बार इधर आएगा, दोनों बराबर बनेंगे और ये दोनों क्या है, इनिशियो मर है, इसको जब इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे Cl है, Cl है, और अब इसका हमने क्या लिया, 3 मोल NaNH2 ले लिया और उसके बाद CH3I लिया, कहा कि प्रोडक्ट क्या है, तो देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 1 मोल लोगे, ठीक है, तो एक Cl भाग जाएगा, Cl Cl और CH2H, यहाँ से NH2 माइनस आया, इसको लिया, इसको भगा दिया, यहाँ पे क्या आया, PHCCl डबल बॉन्ड CH2, फिर से यहाँ से NH2 माइनस आएगा, बीटा हाइड्रोजन लेगा, ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, फिर से NH2 माइनस लोगे तो ये क्या बन गया, टर्मिनल एल्काइन बन गया, याद है, माइनस और Na प्लस, अभी क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये CH3I, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और प्लस, ये लिविंग ग्रुप है, इस पर अटैक करेगा, इसको भगा देगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ऐसे, तो इसमें देखो बच्चों E2 भी रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है, जैसे मान लो ये है PHCHBr CH2Br, इसमें भी हमने लिया 3 NaNH2 पहली बार, दूसरी बार क्या लिया, वही CH3CH2I, क्या होगा, सेम वही है ना, ये अल्फ़ा है बीटा है, या ये अल्फ़ा है बीटा है, तो पहली बार जो होगा है ना, तो क्या आएगा, PHCH मान लो ये है Br है ना, इसका हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड CH2, फिर से ले लोगे NH2 माइनस, ठीक है, तो क्या आएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से ले लोगे NH2 माइनस, तो क्या आएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, उसके बाद है CH3CH2I आएगा, ऐसे तो यह आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और, ठीक है। अगला है, अगर मान लो ये होगा PHCH2CH, यहाँ पे Br है, Br है, सेम क्वेश्चन, अगर हमने ले लिया 3 मोल NaNH2, या कई बार 3 इक्विवेलेंट लिखा रहता है, फिर से ले लिया CH3I, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो NH2 माइनस लोगे तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, क्या आएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH और Br, फिर से NH2 माइनस ले लोगे, फिर से यहाँ से ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है, ये आएगा PHC ट्रिपल बॉन्ड CH,
एच, फिर से ले लोगे एन एच टू माइनस, तो टर्मिनल का एन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अमोनिया निकल जाएगा इस प्लस लेके, यहाँ पे आएगा पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। फिर से अगर इसको हम सी एच थ्री आई लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो सबस्ट्रेट जो है थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, बट मैकेनिज्म एक ही तरह से, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी उसी प्रकार से बन जा रहा है। अब जैसे ये है, ठीक है, कहा कि इसको 2 PCl5 ले लिया पहला, उसके बाद 6 NaNH2 ले लिया, उसके बाद 2 CH3I ले लिया। अब इसका क्या प्रोडक्ट क्या होगा, मैकेनिज्म लिखो। तुम्हें पता है, बताया था ना PCl5 क्या करता है, POCl3 बनाता है, और वहाँ पे यहाँ पे 2 Cl आ जाएगा ऐसे 2 Cl, और यहाँ भी 2 Cl आ जाएगा ऐसे। तो जैसे ही 2 PCl5 हो तो ये आ जाएगा, उसके बाद फिर NaNH2 लेते जाओगे, है ना, 3+3 दोनों पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दो बार एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच दो बार एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसमें इनफैक्ट 2 NaNH2 लोगे, है ना, दो ऊपर खर्च हुआ, दो नीचे खर्च हुआ, फिर उसके बाद 2 NaNH2 ले लोगे, है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड माइनस, उसके बाद सी एच थ्री आई, यहाँ अटैक करेगा इसको भगाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा इसको भगाएगा, फाइनली आपको जो मिलेगा वो ये है। ठीक है, अगला है, अगर ये दिया है यहाँ पे Br है, अगर EtO- EtOH हीट करोगे, CH3 होल थ्राइस CO- K+ COH हीट करोगे, तो ये क्या है, स्मॉल बेस है, ये क्या है, ये बल्की बेस है, ठीक है, तो ये लेस क्राउडेड हाइड्रोजन है, और ये वाला जो है, या ये वाला जो है, ये मोर क्राउडेड हाइड्रोजन है। तो इस केस में सेट ऑफ एलिमिनेशन होगा, इस केस में हाफ में एलिमिनेशन, ठीक है, तो ये हाफ मैन, और ये वाला जो है वो सेट जेफ। ठीक है बच्चों, तो E2 रिएक्शन आई थिंक है ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बहुत बहुत बल्की होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो इसमें बच्चों हम लोग सोडियम आयोडाइड और एसीटोन लेते हैं, ठीक है, तो इससे भी एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे Br है,
इसको हम लिखते हैं एन ए आई एसीटोन, ठीक है, और हीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाता है, तो आई माइनस जो होता है ना वो बी आर प्लस को ले लेता है, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आई माइनस इसको ऐसे, प्लस आई बी आर प्लस बी आर माइनस, ठीक है। फिर अगर हम एन ए आई ले लेंगे तो क्या होगा, एन ए बी आर प्लस आई टू यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगर हम इसको जिंक डस्ट से करते हैं तब भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, जिंक डस्ट के साथ हीट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जिंक होता है ये दो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो यहाँ से जो ब्रोमीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ठीक है। ये जो टू इलेक्ट्रॉन है ये लेगा, तो यहाँ से बी आर प्लस निकलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन बी आर माइनस और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है, जैसे हमने सी एस थ्री सी एच बी आर सी एस टू बी आर ये लिया है, तो हम इसको जो है एन ए आई एसीटोन इससे भी बना सकते हैं, डी हैलोजिनेशन, ठीक है ना, और जिंक डस्ट भी लेंगे तब भी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है बड़ा सिंपल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आई माइनस आएगा यहाँ पे प्लस के, जैसे एच प्लस निकलता है ऐसे इलेक्ट्रॉन दे करके बी आर प्लस बनेंगे, तो क्योंकि आई माइनस उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा ऐसे, और जिंक भी रहेगा तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनायन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी वही काम करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सी एच बी आर और ये, तो ये यहाँ से देगा तो यहाँ पे बी आर प्लस आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बी आर माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये आईआईटी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, आईआईटी एडवांस के लिए थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2, तो थ्रियो इरीथ्रियो समझते हो ना, अगर दोनों एक ही साइड है, जैसे बीआर बीआर है तो इसको इरीथ्रियो कहते हैं, ठीक है, क्या है, इरीथ्रियो। और अगर ये अपोजिट हैं, इधर इधर हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्रियो, क्या बोलते हैं, थ्रियो। तो अगर हम इसको हम एन ए आई एसीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें ट्रांस बनता है, क्या बनता है, ट्रांस, ठीक है। और ये अगर ऐसा है तो इसमें क्या बनता है, सिस बनता है, वही एन ए आई और एसीटोन वाला, तो इसमें सिस बनता है, इसमें ट्रांस बनता है। तो अगर यहाँ पे ये सेम साइड है तो एल्कीन ट्रांस बनता है, ऐसे कर लो, तो जब ये सेम है तो इसका अपोजिट ट्रांस बनेगा। और ये अगर ये एंटी है ना, अलग अलग है, दाएँ बाएँ हैं, ठीक है ना, दोनों दाहिने हैं दोनों बाएँ हैं तो ट्रांस बनेगा, और अगर एक दाहिने और एक बाएँ हैं तो वो सिस बन जाएगा, ठीक है। समझ गए, तो चलो मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ।
तो इसमें जैसे मान लो, इसके लिए आपको क्या करना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन, वी आर, वी आर, एच एच और सी एस थ्री। मान लो ये फ्रंट है और ये रेयर है, ठीक है। उल्टा करते हैं, नीचे वाले को हम लेते हैं, इसको फ्रंट लेते हैं, ये बैक लेते हैं, ठीक है। तो फ्रंट को हम ऐसे लिखेंगे, ये फ्रंट है, ठीक है, और ये बैक। तो ये जो है सी एस थ्री नीचे है, ठीक है, बाकी जो ग्रुप हैं इधर एच है, इधर बी आर है, और यहाँ पे ये सी एस थ्री है और इधर एच है, इधर। तो दाहिने को दाएं, बाएं को बाएं, ये करना होता है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें पता है कि एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना होगा ना, कि इस ब्रोमीन को इसके एंटी लाना होगा। अब तुम्हें पता है कि इसके अबाउट क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, ठीक है। इसके अबाउट क्या है, फ्री रोटेशन। तो इसको हम क्या कर दें, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब हम इसको घुमा देते हैं ऐसे, 180 से पीछे फ्रंट वाले कार्बन को घुमा दिया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया सी एस थ्री, ठीक है, या फिर किसी को भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले को घुमा देते हैं, ठीक है। हमको अपोजिट, जस्ट अपोजिट कर लेना है एन टी पे। तो इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे ला दूँ ऐसे, ठीक है, इसको यहाँ पे ला दूँ, तो ये और ये अपोजिट हो जाएंगे ना, ठीक है। इसको हम घुमा के यहाँ ला दें, ठीक है, या इसको हम यहाँ ला दें, अपोजिट होना है, ठीक है। तो चलो कैसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया, या वर्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया बी आर, ठीक है, और ये हो गया कौन सा, सी एस थ्री, और ये हो गया एच, और इसको हम, ठीक है, वर्टिकल अप कर लेते हैं। इधर हो गया बी आर, ठीक है, इधर हो गया एच, इधर हो गया सी एस थ्री। कर सकते हो, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है, 120 से घुमा दिया, ठीक है। और इसको भी हमने क्या कर दिया, इसको हमने पूरा रोटेट कर दिया यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, ठीक है। तो अब देखो, हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई माइनस आ जाएगा, आई माइनस इसको लेगा इस तरह से, और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे निकलेगा, समझ गए। बताओ यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर सी एस थ्री है, ठीक है, समझ गए। और इधर ये सी एस थ्री है, बस। तो ये ट्रांस जो है इस तरह से दिखाया जा सकता है, बाकी जो है एच, इसका एच इधर आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है, समझ रहे हो। ठीक है,